रायपुर में आगामी विधानसभा चुनाव व प्रत्याशियों के चयन को लेकर आज बसपा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दावेदार प्रदेश प्रभारी अशोक सिद्धार्थ के सामने ही भिड़ गए। समर्थकों ने अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। वरिष्ठ नेताओं की समझाइश के बाद कार्यकर्ता व टिकट के दावेदार शांत हुए। इसके बाद पार्टी की एकजुटता और हर हाल में इस विधानसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाए, इस पर विचार किया गया। बैठक में प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने कहा कि पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 30 सितंबर तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बसपा के लालजी वर्मा ने मीडिया में गठबंधन को लेकर आ रही समझौते की खबर को निराधार बताया। पार्टी गठबंधन को लेकर प्रदेश प्रभारी एमएल भारती पर गंभीर आरोप लगाए। कामदा झोले का मंच पर गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ को एक माह पहले लिखित में प्रभारी एमएल भारती के खिलाफ शिकायत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के सीनियर लीडरों को किनारा कर संगठन को कमजोर किया जा रहा है। वहीं झोले ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती तक पहुंचने की बात अशोक सिद्धार्थ से की है। पार्टी कार्यकर्ताओं में संगठन स्तर पर भारी आक्रोश पार्टी की बैठक में पहली बार दिखाई दिया। सूत्रों की माने तो पार्टी के असंतुष्ट सीनियर लीडर जल्द ही मायावती से मिलने दिल्ली जाने वाले हैं। वहीं चुनाव संचालन के लिए कोर कमेटी, चुनाव संचालन समिति व चुनावी फंड के लिए समिति तक नहीं बन पाने का आरोप लगा है। इस बारे में गंभीर चिंता करने वाला है, इसकी क्या लेंगे मैटर है। कैमरा बंद कराओ ना, मीडिया बंद कराओ, ये चमके उनको बंद कराओ ना, बंद कर शांत रहो। बैक बैक आज हम लोग जो मानिया बहन जी के निर्देश पर हर प्रदेश में माह की एक निश्चित तिथि पर प्रदेश की समीक्षा बैठक होती है, उसी क्रम में आज छत्तीसगढ़ की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के सेक्टर और बूथ के संगठन की समीक्षा की गई और किस तरह से आने वाले चुनाव में हमारा संगठन तैयार है उसके संबंध में अपने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात की गई। आज प्रदेश का हर महीने जो मासिक बैठक होता है, जिसके माध्यम से हम संगठन को मजबूत करने का समीक्षा करते हैं, उसी तारतम्य में आज का बैठक था। आज हमारे सभी प्रभारीगण आज के बैठक पे आए थे और समीक्षा किया गया। आने वाले चुनाव में इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जो है सभी कार्यकर्ताओं ने जो है संकल्प लिया। For more information, log on to www.clips.in.